शॉकिंग बात यह है कि वो कितनी फ्रीली यहाँ पे ऑपरेट कर लेते और कोई उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत बड़ी कार्रवाई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई नशई बाकी नहीं रहेगा, अपनी जमात के नशईयों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप इनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं लाइव क्लास में। I was shocked. और इसलिए नहीं कि हमने ये चीजें इनसे ये निकल आई हैं, शॉकिंग बात यह है कि वो कितनी फ्रीली यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे और कोई उनके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई उनके लिए रोड ब्लॉक्स नहीं है, फ्रीली ऑपरेट कर रहे और नॉर्मल सिटीजन की तरह रह रहे हैं। मेरे लिए ये बात ज्यादा मुश्किल थी अब्सॉर्ब करना। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, आईजी साहब को, उनकी पूरी टीम को, बिलाल खमियाना साहब को, बिकॉज सीसीपीओ लाहौर एंड ऑल ऑफ यू, वेल डन। और ये आपने कौम को, बच्चों को, माओं के, वालदैन के बच्चों को आपने बचाया इस चीज़ से, क्योंकि ये सब जारी थी। मुझे बताया इन्होंने कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाती है ये चीज़, और जब से हमने ड्रग के खिलाफ क्रैकडाउन, ये इस कातिल के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, मुझे पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं। अब उन्होंने मुझे वो मुझे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया। आई थिंक इसको बिल्कुल इरेडिकेट करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े हमें करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शिरबानो नकवी है और आज हम इस्लामाबाद पुलिस के एक ऐसे मिशन, एक ऐसे काम और ऐसी विजन की बात करेंगे जो ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज लेके आई है, और वो तहरीक है नशा अब नहीं। इस्लामाबाद पुलिस का हर ऑफिसर और हर जवान हर उस एलिमेंट को और अंसर को कम्प्लीटली इराडिकेट करेगा, ख़त्म करेगा, जो नौजवानों को और हमारे मुआशरे की लोगों को गुमराह करते हैं, नशे की लत में डालते हैं और आदत में डालते हैं। इस्लामाबाद पुलिस वो मुआशरा बनाना चाहती है जो फोकस्ड हो, मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करे और इंश्योर करे कि हमारी सोसाइटी एक ठीक डायरेक्शन की तरफ जाती है। आइए हमारा साथ दें, क्योंकि ये तहरीक आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए और हमारे मुल्क के लिए है। नशा अब बिल्कुल नहीं। हैरान हो रही थी ये कि कैसे ये जो लोग हैं नशा करते हैं और कैसे इस हद तक पहुंचते हैं और किसी को कोई परवाह ही नहीं। तो मोहतरमा, कुछ जमातों के अंदर भी नशई मौजूद हैं, उन नशईयों को भी ज़रा लगाम डालिए और पूरे पाकिस्तान में भी इस मामले में एक्शन लीजिए। आपका इकदाम सदा कौम याद रखेगी। कहा यह जा रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब एक्शन लिया जाएगा। रावलपिंडी के राजा बाजार में सरेआम आकर नशा फरोहत करने वाले पुलिस के पास से गुजर के नशा फरोहत करते हैं, नशई सड़कों पर पड़े रहते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती। इस मामले में भी एक्शन होना चाहिए। आप वीडियो शेयर कीजिएगा ज़रूर, अपनी आरा बीतीजिए इसके हवाले से और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।